सीएम आवास पर हुई जेडीयू की बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच भिड़ंत की खबर अब सामने आई है। लेकिन अब इस पर मंत्री अशोक चौधरी से जब मीडिया ने सवाल किया तो वो कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए नजर आए और वो इस सवाल से बचते हुए भी नजर आए। हालांकि अशोक चौधरी जाते जाते ये जरूर कह गए कि काहे के लिए बहस होगी, ये सब फालतू की बात है। आप भी सुनिए आखिर अशोक चौधरी ने इस पर क्या कहा। कोई नया बात थोड़ी है, तो पहले से था, पहले से जाने की उनकी इच्छा थी। नहीं, इंटैक्ट बता रहे थे आप लोग, फिर अब धीरे धीरे बिखराव होने लगा है। जिसको अभी बिखराव करके जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा ही ना, जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाएगा। क्या फर्क पड़ा भाजपा और एनडीए के साथ तमाम गठबंधन को खत्म कर लिया। वो लोग कह रहे थे कि पहले इंडिया अलायंस टूटेगा, लेकिन उधर का कुनबा धीरे धीरे ढहने लगा। वो देखिए ऐसा है कि चुनाव आते आते बहुत सी पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन कोर्स था, जो आत्मा थी, वो थी महंगाई। उनकी आत्मा थी जिसके कह प्यार बेरोजगारी। उनकी आत्मा थी कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो सब फेल कर गया है, रुपया गिर गया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी अपनी प्रकाष्ठा पर है। इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं रहा। जो आम कोर्स है, जो पब्लिक के कंसर्न का है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर करके सत्ता पर काबिज है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जिनका वोटर है, उसको इससे मतलब नहीं है। तो निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी से बहुत